आप एक ऐसा एम्पलीफायर ढूंढ रहे हैं जिसमें यूएसबी भी हो, ऑक्स भी हो, ब्लूटूथ भी हो और काफ़ी पावरफुल भी हो, तो ये आपको 50x2 का जो है आउटपुट ये प्रोवाइड कराता है, जिसमें आप दो स्पीकर लगा सकते हैं और ये काफ़ी पावरफुल है। ये कॉम्पैक्ट है बट काफ़ी पावरफुल है और इसे ऑपरेट करना काफ़ी आसान है, क्योंकि ये 5 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट तक इनपुट सपोर्ट करता है, जिससे कि आप पावर बैंक से या फिर किसी एडेप्टर से चला सकते हैं। और जो है ये वीडियो किसी भी तरह से प्रमोटेड नहीं है, और अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आता है तो आप मेरे लिंक से जो है परचेज कर सकते हैं, जहाँ पे इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो ये है दोस्तों ध्रुव प्रो जेके 502M मिनी ब्लूटूथ स्पीकर एम्पलीफायर। तो इसमें आपको 3 पाउच दिया जाता है। फर्स्ट पाउच में आपको स्क्रू ड्राइवर, वॉल्यूम अप डाउन का नोब और एक एडेप्टर और जो है आपको ऑन ऑफ का बटन। और दूसरे पाउच में आपको ये मॉड्यूल मिल जाता है ब्लूटूथ एम्पलीफायर का। जो तीसरा पाउच है उसमें आपको इसका जो है कैबिनेट मिल जाता है, तो इसे भी हम एक बार चेक कर लेते हैं इसमें क्या सब मिल जाता है। तो ये देखिए, ये आपका ऊपर का मेटल फिनिश में है, बट ये मेटल है नहीं, ये आपका जो है पीसीबी बोर्ड की तरह है, जो कि शॉक प्रूफ होता है और काफ़ी अच्छा मटेरियल यूज़ किया गया है। क्वालिटी वाइज ये काफ़ी बेहतर है। ये पीछे का कैबिनेट है जिसमें कि ये सेट हो जाएगा। और लास्ट इक्विपमेंट इसका जो स्क्रू है और जो कैबिनेट का माउंट करने का स्टैंड है वो है इसमें। बैक पैनल का आप जो है इसे स्टिकर रिमूव कर सकते हैं और काफ़ी ग्लॉस फिनिश यहाँ पे दिया गया है। ये मेन आईसी है और ये ब्लूटूथ का आईसी है। ये वॉल्यूम कंट्रोलर है और आपको 2 कैपेसिटर यहाँ पे 35-35 वाट का दिया गया है। यूएसबी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, ऑक्स केबल यूज़ कर सकते हैं, और जो है 2 स्पीकर आउटपुट आपको इस जगह पे मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है आप ईयरफोन भी लगा सकते हैं, या फिर आप इससे जो है बड़े बड़े होम थिएटर्स भी चला सकते हैं। और ये इसका जो है वोल्टेज इनपुट लाइन इनपुट का जैक है। इसमें आपको ऊपर की तरफ जो होल दिख रहा है और आउटपुट में यहाँ पे जो है 4 पिन्स आपको दिख रहे होंगे, तो ठीक इस तरह से इसको इसे यहाँ पे रखना है। देन आपको जो है इसमें दिया गया जो स्क्रू है, उस स्क्रू को आपको नीचे से यहाँ पे लगा लेना है। उसके बाद इसका जो स्टैंड है उसे इस जगह पे आपको टाइट कर लेना है। इसी तरह से यहाँ पे चारों स्टैंड को आपको इस तरह से टाइट कर लेना है। जो हीट सिंक है इसमें पहले से यहाँ पे एडेसिव लगा हुआ है, तो इस तरह से इसके ऊपर का फिल्म जो है निकाल लेना है। और जो है आपको यहाँ पे जो दिया गया है आईसी, जो कि म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट के लिए है, म्यूज़िक प्ले करने के लिए, और यहाँ पे ब्लूटूथ का आईसी है, तो आपको म्यूज़िक वाले आईसी के ऊपर इस तरह से इसे सेट कर देना है। लास्ट में आपको ऊपर वाला जो पैनल है उसे इस तरह से यहाँ पे रखना है, और आपके आप देखेंगे कि इस तरह जो है यहाँ पे पावर का बटन दिया गया है, और ठीक पावर बटन के पास इस जगह पे होल है, तो उस जगह से आपको इसे यहाँ पे रखना है और दिए गए चारों स्क्रू को यहाँ पे जो है फिट कर देना है। तो इस तरह से स्क्रू टाइट करने के बाद जो पावर बटन दिया गया है उसे आप डायरेक्ट इस जगह पे लगा सकते हैं, जिसके बाद आप इसे पावर ऑन या फिर ऑफ के यूज़ में ले सकते हैं। वॉल्यूम नॉब है जिसे आप इसके ऊपर काफ़ी आसानी से इस तरह से प्रेस कर देंगे
और ये जो है सेट हो जाएगा। इसे पावर देने के लिए 12 वोल्ट 2 एम्पियर का जो एक एडेप्टर है इसे मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये जो है मुझे आई थिंक कि एयरटेल वाले जो सेटअप बॉक्स होता है उसमें मिला था, बट अभी हम इसमें लाइन देने वाले क्योंकि 24 वोल्ट तक ये सपोर्ट करता है। तो चलिए इसमें लाइन देते हैं और देखते हैं कि ये जो है किस तरह से कनेक्ट होता है। तो अभी मैंने इसे प्लग इन कर लिया है और यहाँ से मैंने पावर स्विच ऑन किया और आप देख सकते हैं ब्लू लाइट जो है अभी ब्लिंक करना शुरू कर दिया है। तो हम अपने मोबाइल में इसे सर्च करते हैं। तो ये देखिए ओजी ऑडियो करके आ चुका है जो कि इस जगह पे आपको ब्रांडिंग दिख जाएगा। तो इसे अब हम पेयर कर लेते हैं। तो ये देखिए ये पेयर हो चुका है। पेयर होने के बाद जो है कॉन्सेंट्रेट लाइट जलता है, ब्लिंक करना बंद कर देता है। तो अब हम इसमें जो है हम खुद का बनाया हुआ स्पीकर कनेक्ट करते हैं और वॉल्यूम का आउटपुट किस प्रकार का मिलता है वो इंजॉय करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।